हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फाइनली होंडा ने लाइव इवेंट में होंडा सीबी हॉर्नेट 2.0 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। सो इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, चेंजेस मिलेंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि ये बाइक कब लॉन्च होगी और इस बाइक में क्या क्या चेंजेस हो गए, तो आज की वीडियो में मैं इन सारी डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। सो अगर आपको होंडा सीबी हॉर्नेट 2.0 के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के चेंजेस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक आपको हॉर्नेट 160 में 160 सीसी का इंजन मिलता था, बट अब आपको इसमें 200 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि 184 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन होगा। यहाँ पे होंडा ने एयर कूल्ड इंजन ही दिया है। मेरे हिसाब से होंडा को इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन देना चाहिए था, क्योंकि ये एक 200 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन का होना बहुत जरूरी होता है, बट फिर भी होंडा ने इसमें एयर कूल्ड इंजन ही दिया है। So, अगर बात करें इस बाइक की पावर और टॉर्क आउटपुट के बारे में, तो इसमें आपको 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, और होंडा ने अभी इस बाइक का पावर आउटपुट रिवील नहीं किया है। सो जो सेकंड चेंज है वो इसके लुक और डिजाइन में है, जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब आपको इसमें एक न्यू लुक और डिजाइन देखने को मिलेगा। इस बाइक का जो न्यू लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर बात करें इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको फुली एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगे, एलईडी टेल लाइट्स मिलेंगी, एलईडी इंडिकेटर्स मिलेंगे, और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। इसमें आपको गोल्डन फिनिश्ड अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स मिलेंगे, और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। और इस बाइक में अब आपको जो इग्निशन की है वो टैंक पे मिलेगी। पहले इसकी जो इग्निशन की थी वो मीटर के पास मिलती थी, बट अब ये चीज चेंज हो गई और ये इग्निशन की अब टैंक पे आ गई है। सो अगर बात करें इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आपको पेटल टाइप के डुअल डिस्क मिलेंगे विद सिंगल चैनल एबीएस। तो यहाँ पे भी होंडा ने इसमें डुअल चैनल एबीएस नहीं दिया है। ये एक 200 सीसी सेगमेंट की बाइक है, बट फिर भी इसमें सिंगल चैनल एबीएस ही है। अगर बात करें इस बाइक की टायर्स के बारे में, तो इसमें आपको वाइडर टायर्स मिलेंगे और ऑल न्यू स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलेंगे। और इसमें जो आपका रियर टायर है वो होगा 140 mm का, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी ग्रिप भी मिलेगी। और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे कि हजार्ड लाइट्स, और पहले इस बाइक में इंजन क्लच स्विच नहीं आता था, बट अब इसमें आपको इंजन क्लच स्विच भी मिलेगा। और इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। इसमें आपको चार कलर ऑप्शन मिलेंगे, जो कि हैं पर्ल ब्लैक, रेड मेटालिक, ब्लू मेटालिक और ग्रे। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर वेरिएशन देखने को मिलेंगे, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको कलर पसंद आए आप परचेज कर सकते हैं। सो अगर बात करें इस बाइक की एक शोरूम प्राइस के बारे में, तो इसकी एक शोरूम प्राइस होने वाली है 1,26,000 से लेके 1,30,000 के बीच, और ये प्राइस वैरी कर सकती है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि स्टेट टू स्टेट थोड़ी बहुत प्राइसेस वैरी कर जाती हैं। और ये बाइक कम्पीट करेगी अपाचे आरटीआर 204V के साथ और बजाज पल्सर एनएस 200 के साथ, जो कि इस सेगमेंट की काफी पावरफुल बाइक है। सो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये बाइक आपको कैसी लगी। और ये थी सारी डिटेल्स होंडा की सीबी हॉर्नेट 2.0 के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।